तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कुलांटेश्वर महादेव, जो कि शिव का एक प्राचीन मंदिर है। काफी खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है ये मंदिर, और थोड़ी देर में मैं आपको मंदिर में दर्शन करवाऊंगा। और अभी जान लेते हैं इस क्षेत्र से जहाँ से हम गुजर रहे हैं, इक्कू खेत की तरफ से। तो इस जो एरिया से जहाँ से हम गुजर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेरे यहाँ के एक्सपर्ट मित्र मेरे साथ हैं, अक्षय पंचोली जी, इनसे जान लेते हैं यहाँ के बारे में। नमस्कार अग्रिम भाई। तो अभी हमें लखोरा बेल्ट में, इस पूरे एरिया को कहते हैं सराइनखेत से लेके ये नीचे रुडोली उडोली तक, ये आता है लखोरा बेल्ट में। इसको लखोरा बेल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साइड में जो नदी चलती है उसको कहते हैं लखोरा नदी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है, जो लखोरा नदी है उसके बगल में जो आजू बाजू के खेत वेत हैं, वहां पर एक बहुत ही फेमस मिर्च होती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस मिर्च है, जिसे कहते हैं लखोरी मिर्च। तो लखोरी मिर्च हमारे पूरे साल्ट में लखोरी मिर्च उगाई जाती है, और इससे किसान लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। बहुत ही तीखी मिर्च होती है ये, तो इसी कारण से इसे कहते हैं हम लखोरा बेल्ट। तो अभी मैं आया हूँ कुलांटेश्वर महादेव, जो कि नाम से ही लग रहा है कि महादेव को समर्पित है। और ये मंदिर सरायखेत साइड पड़ता है, काफ़ी खूबसूरत वादियों में एक घाटी में स्थित है मंदिर, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में है। तो चलिए आपको दर्शन करवाता हूँ कुलांटेश्वर महादेव जी के। इस तरह का व्यू है कुलांटेश्वर महादेव जी के द्वार के आसपास। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी और बीच में स्थित कुलांटेश्वर महादेव मंदिर, और इस तरह की वादियां हैं कुछ चारों तरफ, काफ़ी खूबसूरत। आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है, और थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी सुबह से, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया अभी। और चलिए आपको ले चलता हूँ कुलांटेश्वर महादेव मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। वो देखो सामने आपको दिख रहा है कितना खूबसूरत जगह स्थित है। मंदिर की खूबसूरती इसलिए भी बढ़ जाती है कि उसकी लोकेशन से। आप देखो नीचे नदी बह रही है, छोटा सी हल्की सी नदी है, और पानी की आवाज़ लखोरा नदी। हाँ, लखोरा नदी है इस नदी का नाम, जो कि नीचे बह रही है। और पहाड़ों में बारिश हो रही है आज, तो देख सकते हैं कि आप इसका पानी का कलर भी थोड़ा धुंधला है, मटमैला है। सावन के महीने में इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं, खड़ी खाल बिरों खाल से लोग यहाँ आते हैं, बैजनों साइड से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और ये मंदिर के साइड में कुछ बनाया गया है प्रोटेक्शन के लिए। और ये नदी है, और ये मंदिर के ओर जाता हुआ मार्ग, ये मेरे दोस्त ऋषभ हथेली, ये मुख्य द्वार है कुलांटेश्वर महादेव मंदिर का। देखिए कितना खूबसूरत है, और चारों तरफ से पहाड़ी और बीच में ये मंदिर स्थित है। यहाँ की घंटी है मंदिर में, और घंटी ना बजाओ ऐसा ऐसा। और ये देखिए खूबसूरत खेत है यहाँ पे, और ये चारों तरफ से बाउंड्री है मंदिर की, और ये है कुलांटेश्वर महादेव मंदिर। तो मैं उतार लेता हूँ जूते और करता हूँ बाबा जी के दर्शन, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए ये फ्रंट व्यू कुलांटेश्वर महादेव का मंदिर। ये बड़ा सा त्रिशूल कितना खूबसूरत और भव्य लगता हुआ खूबसूरत मंदिर है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत यहाँ पे पीसफुल है। आपको सुनाई देगी तो जो बगल में नदी बह रही है उसके पानी की आवाज़, जो कि अपने आप में एक मेडिटेशन है। अगर आप कभी मेडिटेशन करने का मन हो तो भी यहाँ पे आ सकते हैं, नदी किनारे बैठ जाएं और थोड़ा देर मेडिटेशन करके आप जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदी में पैर धोने के लिए। थोड़ा दर्शन से पहले अपने हाथ पैर धोने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इंसान जो है जगह जगह जाता है और हाथ पैर गंदे हो जाते हैं, और भगवानों के दर्शन करने से पहले हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी है। Thank you.
उसमें भाई शिव जी का मंदिर है, उसके साइड में तो होता ही है। शमशान तो है, शमशान है वो, तब जो शिव जी का वो है, शमशान है ये। जैब ये मंदिर के किनारे का व्यू है यहाँ से कुछ इस तरह से। हालांकि मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, बट अगर मैं आंखें बंद करूँ और इन पहाड़ों को देखता रहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अकेला आया हूँ। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आकर, काफ़ी शांति और अंतर्मन को काफ़ी शांति की अनुभूति हो रही है। और अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हो चुकी है, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो दोस्तों अभी हम कुलांटेश्वर शिवालय के दर्शन करके आ चुके हैं। कुलांटेश्वर मंदिर जो कि मैंने आपको बताया, काफ़ी बेहतरीन मंदिर है, पास में ही शमशान भी था, तो काफ़ी मतलब मज़ा ही आ गया, क्या बताऊँ आपको, बेहतरीन था अनुभव हमारा वहाँ का। और आप कुछ कहना चाहेंगे बोलो। कुलांटेश्वर महादेव की जय, एक ही स्वप अखंड भारत, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। तो मैं बताना चाहूंगा विनोद आपको कि अब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे काफी शोर आ रहा है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी भाई,